दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जबकि दूसरे नंबर पर आ जाता है भारतीय प्रायद्वीप। कोयला सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना। जबकि रूस के पास सर्वाधिक भंडार है प्राकृतिक गैस के, और भारत के पास पाया जाता है सबसे ज़्यादा थोरियम, और कनाडा के पास पाया जाता है यूरेनियम। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्र। तो नील नदी की देन भी से कहा जाता है मिस्र को, साथ ही साथ यह है पिरामिडों का देश। जबकि म्यांमार को बोला जाता है स्वर्णिम पगोड़े का देश, और जापान को बोला जाता है सूर्योदय की भूमि। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। मनीबिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा। तो मनीबिल लोकसभा का इशू है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1976 में, और इसके तहत भारतीय संविधान में दो नए शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। साथ ही साथ भारतीय संविधान में भाग नंबर 4A यानी मौलिक कर्तव्यों को उस दौरान जोड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुल है ढोला सदिया पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यह जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को असम से। 9.2 किलोमीटर लंबा पुल ढोला सदिया। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महबूब उल हक, जो कि बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है योजना आयोग अर्थात नीति आयोग द्वारा द्वारा बनाई गई नीति को अंतिम स्वरूप देना। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर सूचकांक कौन सा होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल। भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह। भूस्थिर उपग्रह की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, 36,000 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है 36,000 किलोमीटर ऊपर जमीन की सतह से। मधुबनी किस राज्य की चित्रकला है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, कोसी। जबकि दामोदर को बोला जाता है बंगाल का शोक। हैली पुछल्ला तारा कितने साल बाद दिखाई देता है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, 76 साल बाद। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तरी ध्रुव पर भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, हिमांदरी। तो हिमांदरी उत्तरी ध्रुव पर भारत का अनुसंधान केंद्र है, जबकि मैत्री दक्षिण गंगोत्री और भारती ये अंटार्कटिका में मौजूद हैं। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1966 में। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी EPZ कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क। भारत के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सर्वाधिक योगदान रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। धन या मुद्रा बहुत हो जाए और वस्तु बहुत कम हो तो वह कौन सी स्फीति कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से अधिक हो। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1948। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एक चुनाव याचिका के बारे में फैसला करने की शक्ति किस में निहित होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य उच्च न्यायालय। नागालैंड राज्य को एक राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्रभुसत्ता की कमी है।
राज्य विधानसभाओं के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। जबकि जितने भी केंद्रीय आयोग हैं उनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। संसद में इनमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी, प्राकलन समिति, आकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी। गिल्ट एज मार्केट किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट। जापान की संसद का क्या नाम है? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, डाइट। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के ऊपर शासन है डेनमार्क का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी की इकाई। 3 अगस्त 2018 को किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या योजना शुरू की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। 123वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने हेतु। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 अगस्त। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। सेलुलर ऑपरेटिंग कंपनी आइडिया का विलय किस कंपनी के साथ हुआ? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, वोडाफोन। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव कार्य चलाया था? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सहयोग। 11वां विश्व हिंदी दिवस कहां पर मनाया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट लुइस, मॉरिशियस। हम्बन तोता बंदरगाह किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018 किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। 18वें एशियन गेम्स में भारत ने सर्वाधिक 19 पदक किस स्पर्धा में जीते थे? सही जवाब आएगा ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। एम करुणा निधि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणा निधि, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि HPSSB द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरिएट क्लैरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।